पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक महिला बलात्कार का आरोप भाजपा नेताओं पर लगाकर कुछ दिन बाद ही पलट गई। मजे की बात ये रही कि महिला ने बलात्कार की स्क्रिप्ट रचने का साजिशकर्ता भी एक भाजपा नेता को ही बताया है। महिला के द्वारा आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की गई और स्वयं के द्वारा भाजपा नेताओं पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। महिला का कहना है कि उसके द्वारा दी गई शिकायत में आरोपी बनाने के लिए दबाव बनाया गया था। महिला ने खुद को मामले से अनजान बताते हुए कहा है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसकी वजह से उसे नहीं मालूम था कि महिला के द्वारा एसएसपी को शिकायती पत्र में क्या दिया गया। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के थाना मूढ़ा पांडे क्षेत्र का। मूढ़ा पांडे निवासी महिला ने 9 दिसंबर को एसएसपी के नाम एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें बलात्कार का आरोप लगाया गया था। लेकिन आज महिला ने उन्हीं आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि महिला को उसके पति ने भाजपा नेताओं के साथ मिलकर बंधक बनाया हुआ था और महिला का पति भी भाजपा नेताओं के साथ हमसाज है। महिला ने मूढ़ा पांडे निवासी भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए हैं। मेरे पति ड्रिंक ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, और हमारे गांव के कुछ लोग हैं जैसे कि बबलू रंजीत और यशपाल और रामवीर सिंह नेताजी, ये सब इन्होंने मतलब मुझसे झूठी एप्लीकेशन बनवाई मेरे पति को पैसे का लालच वालच दे के। और बबलू गए थे हमारे घर पे 8 तारीख को, 7 तारीख से मतलब 7 तारीख की रात को आए थे, 8 तारीख को फिर गए और मुझे मुरादाबाद बुलवाया मेरे पति के साथ। मैं अपने पति के साथ मुरादाबाद गई थी, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और वो मुझे मुरादाबाद लेके आए और वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए, यशपाल बेलमान और बबलू रंजीत और रामवीर सिंह नेताजी, सब लोग ही इकट्ठे हुए और इन्होंने आपस में कोई सलाह बनाई जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन और एप्लीकेशन बनवा कर मुझसे दिलवा दी, जगह जगह सब जगह दिलवा दी जहाँ पे इन्होंने दिलवानी थी, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और क्या हुआ फिर उसके बाद, एप्लीकेशन दिलवाने के बाद जैसे मुझे पता लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा गलत है तो मैंने मना करा उनसे, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद उन्होंने मुझे घर भी नहीं जाने दिया और मुरादाबाद होटल में रखा 3 दिन। और उसके बाद फिर वो कहीं पे लेके गए, कहीं स्कूल पे ले गए मुझे, वहाँ पे रखा 4-5 दिन वहाँ पे रखा। उसके बाद और कहीं लेके गए मुझे, इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए, मैंने ये मना करा उनसे तो उन्होंने मुझे, मेरे 7-9 महीने की बच्ची थी, उसे मारने की और मुझे मारने की धमकी दी। इसलिए मुझे मजबूरी ऐसा करना पड़ा और अब मैं पूरे होश हवास में हूँ। मैं जो बयान दे रही हूँ वो बिल्कुल सच्चे हैं, उन लोगों ने जबरदस्ती मुझसे बयान दिलवाए थे। कब से आपको बंधक बना के रखा गया था? 8 तारीख से। और वो मुझे अकबर किले पे भी लेके गए थे, किसी ऑफिस में लेके गए थे और मुझे फोन दिया गया था कि इसके अंदर तक जाना है तुम्हें और जाके वापस आना है। मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था इसलिए मजबूरी मुझे जाना पड़ा और मैं अंदर तक गई। वहाँ से फिर कब छूटी? वहाँ से मैं अभी 2-3 दिन की बात है, जब इन्होंने मुझे होटल में रखा तो मैं वहाँ से रात में निकली किसी तरह से अपनी जान बचाई। कहाँ का होटल था? मुरादाबाद के या कहीं बाहर का? जी इधर ही मूढ़ा पांडे की तरफ पड़ता है, दलपतपुर के थोड़ी पीछे। जब आपको वो होटल या सब स्कूल में रखा गया तो कोई और भी था आपके साथ में? आप अकेले केवल दिन भर बंद रहते थे? जी थे तो मेरे पति भी मेरे साथ में, लेकिन वो भी उन्हीं की तरफ थे ना, क्योंकि पति साथ में रह रहे थे। हाँ क्योंकि वो भी उन्हीं की तरफ थे, वो उनके लालच में आए हुए थे कि पैसा वैसा दे दिया था उन्हें या क्या था। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। अच्छा आपको मालूम है कि जो एप्लीकेशन आपके द्वारा दी गई थी उसमें क्या थी शिकायत? आपको मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने ये मना करा उनसे कि ये सही नहीं है। और जब मुझे मालूम हुआ तो मैं अपने बयान थाने में दे आई, जो सच्चे बयान थे वो मैंने वहाँ थाने में दिए अपने मूढ़ा पाड़े में, और आज भी मैंने बयान दिए। एप्लीकेशन में बलात्कार का आरोप लगाया आपकी एप्लीकेशन में था, क्या ऐसा कुछ हुआ था? झूठा था। वहीं इस मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक ने प्रतिद्वंदी भाजपा नेता पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। साथ ही स्वयं एवं परिवार को जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक का कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत तो मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से भी प्रताड़ित है। मेरी जानकारी में आज ये आया कि एक प्रार्थना पत्र
9 तारीख में SSP को दिया दिलवाया गया किसी महिला से, मुंडा पांडे के प्रधान जी हैं उनके खिलाफ और 2-3 लोग और उनके खिलाफ, अन्य के खिलाफ जिन्हें मैं नहीं जानता। और वो महिला 8 तारीख में मेरे ऑफिस भेजी गई। जब मुझे जानकारी हुई और मैंने फुटेज निकलवाए तो फुटेज में जो है वो महिला 12:03 पर मेरे ऑफिस आई। फिर मैंने और निकलवाए तो उसे छोड़ने वालों की फुटेज, जो लोग उसे छोड़ के गए, जो लोग उसे लेके गए वो फुटेज, और किस किस से उसकी बात हुई, कौन सा नंबर उसके पास था, ये सारा मैंने प्रशासन से निकलवा लिया है। और सारी जानकारी मैंने कप्तान साहब को दे दी है, कौन कौन लोग किस स्तर तक गिर के गंदगी कर रहे हैं इसमें, उन गंदे लोगों का भी मैंने पूरा इतिहास और पूरा रिकॉर्ड प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है, समझे। कहीं कोई मुकदमा लिखा जाता है मेरी जानकारी में होती नहीं, सुबह को मुझे पता चलता है कि भैया मेरा भी नाम लिखा हुआ है उसमें। तो ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ, ऐसी घटिया और नीच मानसिकता के लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। वरना तो जो है शरीफ आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। महिला ने बलात्कार की एप्लीकेशन दी थी, बलात्कार का आरोप लगाया था, वो सब लोग आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। महिला से तो आपकी शायद बात हुई है, जब आप लोगों की बात हुई है तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उसमें उसने बलात्कार का आरोप लगाया था जबकि कोई ऐसी घटना घटी नहीं। उसे एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के रूप में रचा गया कि 9 तारीख में एप्लीकेशन दिलवाई गई, 8 तारीख में वो महिला हमारे ऑफिस भेजी गई। हमारे यहाँ कई सौ लोग रोज आना जाना रहता है ऑफिस में। तो एविडेंस आपने पुलिस को दिए? उसके सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए हैं, जो लोग लेके आए थे उनका भी, जिन लोगों से बात हुई है उनका भी, और जो लोग छोड़ के गए उनका भी। कितने लोग लगे इसमें? 3-4 लोग। क्या आपके तरफ से भी पुलिस अधिकारी से मिला जाएगा आपकी तरफ से की बात? मैंने पुलिस अधिकारियों की जानकारी में डाल दिया है, मैंने बता दिया है कि भाई ये लोग जब इतना षड्यंत्र रख सकते हैं तो किसी समय मेरी हत्या भी करा सकते हैं, मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। और ये इतनी गिरावट इन लोगों में आ जाएगी मुझे उम्मीद नहीं थी। सर, आप एक BJP के लीडर हैं, नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी BJP नेता की छवि को गिराने के लिए ये सही? बिल्कुल यही है, छवि खराब करने के लिए। जिन लोगों की खुद की कोई छवि नहीं बची है वो लोग मेरी छवि खराब करने के लिए ये षड्यंत्र कर रहे हैं। सर, कौन अब, लोग हैं? अब वो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कौन लोग हैं, और इसमें मुझे कुछ ज़्यादा खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। वो महिला ने अपने मुँह से नाम बता दिए होंगे आपको, वो ही लोग हैं। वहीं इस मामले पर भाजपा नेता रामवीर सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री शिव कुमार और रंजीत का आपस में विवाद है। रंजीत ने प्रधानी की जांच कराई थी जिसमें 15-20 लाख के गबन का वो दोषी है। भाजपा नेता रामवीर सिंह का कहना है कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक षड्यंत्र के तहत महिला ने प्रार्थना पत्र दिया और बयान बदलवाए गए हैं। भाजपा नेता रामवीर सिंह का कहना है कि मेरा नाम जबरदस्ती इस मामले में षड्यंत्र के तहत घसीटा जा रहा है, जबकि मैं इस महिला को जानता भी नहीं हूं। तो वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए CO हाईवे ने बताया कि एक मैटर संज्ञान में आया था जिसमें महिला किसी लड़के के साथ चली गई थी, उसके बाद वो बरामद हुई थी। तो आज महिला यहां आई थी, एक एप्लीकेशन हमारे पास भी आया था जांच करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए, इसीलिए आज महिला को बयान के लिए बुलाया गया था। महिला के द्वारा बताया गया कि इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन उन्होंने नहीं दिया है। उनके पति और साथ में रंजीत उर्फ बबलू मंडल अध्यक्ष हैं, तो इनके द्वारा जबरदस्ती करके उल्टे सीधे प्रार्थना पत्र दिलाए गए थे। इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र महिला के द्वारा नहीं दिया गया है, ना ही कोई घटना इसके साथ हुई है। लिखित में महिला ने भी अपना बयान दिया है। तो वहीं इस मामले में प्रधानपति शिव कुमार ने भी भाजपा नेता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। क्या मामला है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने? मेरा नाम शिव कुमार है, मेरे पिताजी का नाम जयप्रकाश सिंह है। मेरे खिलाफ बाद दो व्यक्ति अज्ञात में, एक महिला हमारे मुंडा पांडे निवासी है जिसका नाम गीता है, पति का नाम ओम प्रकाश है, उस महिला का 3 लोगों ने षड्यंत्र रच के हमारे खिलाफ, प्रमुख साहब ललित कौशिक पूर्व प्रमुख जो है हमारे मुंडा पांडे हैं उनके खिलाफ, और अज्ञात व्यक्ति में और डाले हैं उसमें। उसका एक 9 तारीख में एक प्रार्थना पत्र SSP साहब को दिया, वो लेटर अगले दिन मेरे पास आया। जब मैंने वो उस लेटर को पढ़ा तो मैंने उस महिला से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन वो महिला अपने घर से ही गायब थी। उसको 3-4-5 दिन
पता नहीं कहाँ रखा उसको, और उन्होंने तरह तरह के 8-10 लेटर पे सिग्नेचर करवा के और उस महिला के लेटर को जगह जगह 56-3 में भी डलवा दिया उन्होंने। इतनी जल्दी से सारे काम किए कि हमें जेल भेजने का पूरा प्रयास किया। क्या हुआ फिर इसमें मामले में, निकल के क्या आया? ये मामले में ये निकल के आया है, अब जब मैंने जो है गांव के अंदर मीटिंग भी की, मैंने ये रावत परिवार से है ये महिला और गरीब परिवार से है। इस महिला का, एक गरीब महिला का इन लोगों ने षड्यंत्र रच के, जिनका नाम रंजीत सिंह, यशपाल सिंह और ठाकुर रामवीर सिंह नेताजी, इन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा और उस महिला को प्रयोग करके गलत और झूठे तरीके के हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। हमारे जो है जानमान, हमारे उस पर चरित्र पर दाग लगाया और इस तरीके से षड्यंत्र जो इन्होंने रचा है, एक तरीके से हमारी भी जान को खतरा है। क्या आप इस महिला को पहले से जानते हैं? हाँ, मेरे गांव की महिला है, मैं इस महिला को पहले से ही जानता हूँ और गांव के अंदर जब मैंने इस बात को रखा तो पंचायत के लोगों ने ये कहा कि हम उस महिला को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी में आया कि क्या मेरे ही गांव का व्यक्ति है रंजीत सिंह, यशपाल सिंह, इनको प्रयोग करते हैं ठाकुर रामवीर सिंह। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो तो इनके ऊपर ढाल के उसको आरोप प्रतिरोप लगाए जाते हैं मुंडा पांडे की जनता के ऊपर। आज ये पहला पत्र नहीं है, उन्होंने पहले ही मेरे ब्लॉक के अंदर, मुंडा पांडे ब्लॉक के अंदर मेरे खिलाफ 4 लेटर BDO मैम को, मेरे विकास कार्यों को रोकने के लिए उसको दे रखे हैं। ये कार्रवाई पिछले 3 महीने से चल रही है, 3 महीने से षड्यंत्र रचा जा रहा है और मुझसे बार बार रंजीत सिंह और यशपाल सिंह ये कहते हैं, लोग गांव की कुछ पब्लिक जनता से भी कहते हैं कि हम इसकी प्रधानी भी छीन लेंगे और हम इसे जेल भिजवा के रहेंगे किसी न किसी मामले। सर, BJP लीडर रामवीर का भी नाम आ रहा है, महिला भी कह रही है। BJP लीडर रामवीर सिंह हैं, पार्टी के हम भी लोग हैं, लेकिन पार्टी का बंदा पार्टी के अंदर रह के और पार्टी का नाम खराब कर रहा है, ये बहुत बड़ी, ठाकुर रामवीर सिंह। अच्छा, अब आप क्या है, अब आपके पास क्या पद है? मेरे पास, मैं मुंडा पांडे ग्राम प्रधान पति हूँ। पब्लिक TV आपकी आवाज़।